ये हो रहा है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, उनकी सरेंडर करती हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक तस्वीर, एक इमेज वायरल हो रहा है। चाइना ने अगर बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी, इंडिया ने भी बढ़ा दी, हर मोड़ पे बिल्कुल आप कह लीजिए चाइना को टक्कर दी। जब तक चाइना समझ गया सुनने में आ रहा है कि डैम चौक एंड डेप्सांग के अंदर कंप्लीट जो है वो डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। और उनको भी समझ में आ गया कि आगे विंटर आने वाला है। 4 साल, 4 विंटर हमने निकाल दिया गलवान होने के बाद। हमारे 20 सोल्जर मरे, उनके 43 सोल्जर मरे थे। जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। इन हालात में अगर चाइना भी रूठ गया तो हम बुरी तरह स्वार्थी तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। कोई भी मुल्क यहाँ सरमायाकारी करने नहीं आएगा, कोई भी कौम हमारा हाथ पकड़ने के लिए राजी नहीं होगी। और कहा ये जा रहा है कि ये चाइना और ताइवान के मीडिया में ज्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। अगर आज चाइना और इंडिया के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम हो रही है या दोनों ने हाथ मिला लिया है तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ काम करेंगे। वो दावा कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान से फासला कायम कर रहा है, दोनों ममालिक की शहर से मीठी दोस्ती अब फीकेपन का शिकार हो रही है। और आम टू आम कॉम्बैट में भी इंडिया मैच कर लेगा चाइना को। और आप जानते भी हैं कि हमारी अगर मिसाइलें चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस में जाके मारेगी तो पूरी चाइना तबाह हो जाएगी। 18 ट्रिलियन को हम 1 ट्रिलियन बना देंगे सर। एक तो ये हो रहा है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, उनकी सरेंडर करती हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक तस्वीर, एक इमेज वायरल हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये चाइना और ताइवान के मीडिया में ज्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। अच्छा, अब जब उसको आप सर्च करते हैं तो वाकई आपके सामने पिक्चर आती है जो कि आपने देखी है, थंबनेल पर लगी हुई है। अगर नहीं देखी तो वापस जाएं, दोबारा से स्टार्ट करें प्रोग्राम और थंबनेल देख लें इस प्रोग्राम का। तो वो पिक्चर ये है कि मोदी साहब बैठे हुए हैं, चेयर पर विराजमान है, सिंहासन पर, इक्तदार के सिंहासन पर विराजमान है मोदी साहब, और उनके सामने जो है वो प्रेजिडेंट शी, जाहिर है कि उन्हीं की पिक्चर AI है, मेरा ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी पिक्चर है ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर वो जो है वो जिस तरह ज़मीन पर बैठकर आप किसी को बाद अब बा मुलाहिजा होशियार कहते हैं या आप सरेंडर के एक पोजीशन में होते हैं या आप जो है वो ऑब्वियसली एक बंदा कुर्सी पे बैठा है और दूसरा जो है नीचे बैठा है, इसको पंजाबी में कहते हैं पुंजे बैठा है, तो वो ज़मीन पे बैठा हुआ तो वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है ना कि सर सरकार क्या चाहते हैं आप, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, बोलिए। अब ये जो है ना, ये तस्वीर एक ऐसे वक्त में वायरल हो रही है कि जब अभी चाइना और इंडिया के बीच आपने देखा कि कैसा जो है वो एक सिचुएशन नजर आई कि दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो ज़बरदस्त हो गए, ठीक है जी, यानी ताल्लुकात क्या ज़बरदस्त होंगे, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उस रिजॉल्व होता हुआ नज़र आया जिसमें कि वो जो एक उनकी आपस में जो भी सिचुएशन थी वो कम से कम ख़त्म हो गई, ठीक है। तो फौजें भी जो हैं वो अपनी पहली वाली पोजीशन पर, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब तय पा गया, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ऑब्वियसली। तो कोऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन भारत का देखिए हमेशा से रवैया क्या रहा है। इवन सियाचिन जैसी जगह पे भी हमने एक दफा ये प्रपोज किया था कि यहाँ पे हम सियाचिन में अपनी फौजें विड्रॉ करके यहाँ पे एक पीस पार्क बना देते हैं, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। भारत ने कहा हम अपनी फौजें यहाँ से हटाएंगे नहीं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की अगर आप बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का इस वक्त कोई पुर एतमाद दुनिया में दोस्त है तो वो चीन है। चीन हर तरह से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का उसने साथ दिया। एक हिस्ट्री है दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि जब चीन इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार था तो वो पाकिस्तान ही था जिसने चीन की इंटरनेशनल आइसोलेशन को ख़त्म किया। चीन और अमेरिका के दरमियान जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं उनको एक राह हमवार की, तो वो जो पाकिस्तान ने माजी में उनके ऊपर एहसानात किए थे आज तक, फिर चीन जब एक दुनिया की बड़ी ताकत बन गया तो वो एहसानात के जो बदले हैं वो आज भी चुका रहा है। लेकिन शहबाज, इस हफ्ते अगर हम पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की बात करें, जैसे आपने कहा कि गैर मामूली एक वाक्या हुआ जिसको मेरे ख्याल में अवॉइड किया जा सकता था। अगर आज चाइना और इंडिया के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम हो रही है या दोनों ने हाथ मिला लिया है तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ काम करेंगे। यहाँ पर चाइना जो है और इंडिया अपने डिस्प्यूटेड एरियाज को साइड पर रख के वो न्यू रिलेशंस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो पाकिस्तान भी कर सकता है अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और लेजिस्लेशंस और जो इनके इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो अगर चाहें तो कर सकते हैं। अब उसको शायद ये देखा इस तरह जा रहे, इस
तस्वीर के जो वायरल होने की वजह अगर आप कह सकते हैं वो मेरा ख्याल है कि ये है कि इसको ऐसे देखा जा रहा है कि शी ने सरेंडर कर दिया मोदी के सामने, और क्योंकि चाइना की तरफ से ये भी कहा गया था ना कुछ दिन पहले कि फ्लाइट्स खोलें इंडिया को, डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट करें, तो इंडिया ने कह दिया था कि नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो फिर ये वाली जब सारी सिचुएशन चलती रही है तो उसके अंदर फिर इसको शायद ऐसे देखा जा रहा है कि ये जो है ना हालात वो ये हैं कि अब जो चाइना है उसने वो हर कीमत पर सुलह चाहता था और हर एट एनी कॉस्ट वो इंडिया से इस चीज़ की डिज़ायर रखता था कि जी ये जो है ना मामलात ये सही हो जाएं, और इसके लिए उसको अगर नीचे भी बैठना पड़े, ज़मीन पर भी बैठना पड़े और उसकी बात भी माननी पड़े, भारत की बात भी सारी माननी पड़े, और बेशक आप जो है बैक फुट पर जाकर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें तो तब भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार था और उसने ऐसा किया। तो ये वाली कुछ चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यानी कि एआई का है ये वाला इमेज, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये जो है ये किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन ऑब्वियसली जिसने भी ये बनाया है, ये इमेज जिसने भी बनाया है, और अब वो चाइना में बना है या ताइवान में बना है, देखें ना इमेज कैसा है कि जो मोदी साहब हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए और शी साहब जो हैं वो ज़मीन पर बैठे हुए उनके सामने हाथ जोड़ के, तो सरेंडर करने वाली बात हुई तो वो अब किसने बनाया क्या कह सकते हैं। तो वो ये कहेंगे कि जी ये तो देखें ये राखी साजिश है, इंडिया ने बनाया ये वाला इमेज, लेकिन कह ही रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि ये चीन और ताइवान में हो रहा है, तो ताइवान की तरफ से वैसे हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। एग्जैक्टली बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सर जो दूसरी खबर है ना वो ये है कि एक ही हो गया जी, एक तरफ तो खबरें ये चल रही हैं, पिक्चर ये चल रही है कि चीन का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा है, बात मान रहा है, यानी ये कि चीन भारत की हर बात मान रहा है, यही है ना एक जो इम्प्रेशन है, तासुर है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में कुछ दरारें सी नज़र आ रही हैं सर, ऐसी दरारें नज़र आ रही है कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, और तो और पाकिस्तान ने खुद भी इसके ऊपर बात कर दी है, उनका हम तो हैरान ही रह गए, हरियाणा परेशान रह गए हैं कि ये क्या कहा है। अब हुआ ये कि जो चाइनीज एनवॉय हैं, वैसे उनको भी हक हासिल है कुछ ऐसा कहने का, वो एक आप कह लेंगे एक मीटिंग या वो इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस या उसमें थे, मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो दो बार हमले हुए यानी एक साथ ही दो बार हमले चाइनीज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, उनका अनएक्सेप्टेबल ये जो हमले हो रहे हैं, तो मतलब चाइनीज एनवॉय ये कह रहा है पाकिस्तान के अंदर खड़े होके, कैन यू इमेजिन। तो फिर ये बात सिर्फ मुझे हैरानी नहीं हो रही सर, ये प्रेस ब्रीफिंग्स जो होती हैं उसके अंदर फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन बोलो साहिबा ने ये वाली बात जब सवाल जवाब हुए उन्होंने कहा, मतलब कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आई है कि ये कहा गया है कि दिस इज़ वेरी मतलब सरप्राइजिंग और शॉकिंग, वी आर परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड। इंडिया ने आज पेट्रोलिंग शुरू कर दी उन एरियाज में जिस पर कुछ दिन पहले इंडिया और चाइना दोनों के दोनों एक समझौते पर आए थे, लेकिन ये पेट्रोलिंग जो है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी गवर्नमेंट की, क्योंकि चाइना जहां घुस जाता है कभी निकलता नहीं है। ऑन विच द वर्ल्ड ट्रस्ट इज इंडिया, चाइना को हू ट्रस्ट चाइना, बताइए। चाइना का बॉर्डर है 17 कंट्रीज के साथ, सबके साथ उनके प्रॉब्लम्स है अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आप भी चाइना में बैठे हो, आपको भी मालूम है कि सब चाइना की इकोनॉमी की क्या हालत है, आपको भी मालूम है। जो उनकी ग्रोथ रेट निकल के आई है, जो वो प्रोजेक्ट कर रहे थे 5%, इट इज नॉट 5%, इट इज समथिंग अराउंड 3.6% राइट नाउ। जो थर्ड क्वार्टर ग्रोथ रेट आई है वो 0.9% हुआ है, तो क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट फॉर द ईयर इज अराउंड 3.6, और उसका भी डेटा का भरोसा नहीं है। और यहाँ पे ब्रिक्स करेंसी वर्क करना बहुत जरूरी है, और इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। बिना भारत के मंजूरी सहमति के बगैर ब्रिक्स करेंसी पेमेंट कैन नॉट फंक्शन, सिंपल सी बात है, क्योंकि ओनली कंट्री जिसके ऊपर वर्ल्ड ट्रस्ट करता है वो इंडिया है। आज अमेरिका इंडिया पे ट्रस्ट करता है, ईयू इंडिया पे ट्रस्ट करता है, ग्लोबल G7 कंट्रीज जो भी है वो बेस्ट की, एवरीबडी ट्रस्ट इंडिया।
तो ये डी एस्केलेशन होना जरूरी है। और उनको भी समझ में आ गया कि आगे विंटर आने वाला है, चार विंटर हमने निकाल दिया गलवान होने के बाद। हमारे 20 सोल्जर मरे, उनके 43 सोल्जर मरे थे। और आर्म टू आर्म कॉम्बैट में भी इंडिया मैच कर लेगा चाइना को। और आप जानते भी हैं कि हमारी अगर मिसाइलें चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस में जाके मारेगी तो पूरी चाइना तबाह हो जाएगी। 18 ट्रिलियन को हम 1 ट्रिलियन बना देंगे सर, आप हमारी सिर्फ 3.5 ट्रिलियन की 1 ट्रिलियन बना सकते हो। तो इसको आपकी जो स्टेटमेंट है कि 18 ट्रिलियन को 1 ट्रिलियन बना सकते हैं, भाई मजा आ गया सुनकर। कामरान, अहम इवेंट था और उसकी अहमियत की वजह से जो उसके गेस्ट थे, चीफ गेस्ट आपने बताया सागदार साहब थे, चाइनीज एम्बेसडर जो थे वो भी वहां पे मौजूद थे। चाइनीज एम्बेसडर रोस्ट्रम पे आते हैं और बड़ी ही एक अच्छी और नपी तुली तकरीर करते हैं वो। उसके बाद वो चले गए, उसके बाद आए सागदार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर स्टेज के ऊपर। एज यूजल उन्होंने कुछ 1.5 घंटे की तकरीर की रफली, उसमें बहुत सारी जगहों पर डार साहब ने ऐसे रिमार्क्स दिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज किया कि अमरीका किस तरीके से चीन को दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी बनने से रोक रहा है। तो हमारा तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं बनता था, ना चाइना ने इसके ऊपर कोई बात की थी उस फोरम के ऊपर। दूसरी जो चीज जहां से सारी बात शुरू हुई वो ये थी, डार साहब ने एक उन्होंने कहा कि चाइनीज जो है दुनिया में कहीं भी सिक्योरिटी से रिलेटेड खतरात हो तो अपने नेशनल्स को वहां पे काम के लिए नहीं भेजते, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। चीनियों की जो जिंदगी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइनीज लीडरशिप के लिए। लेकिन उन्होंने कहा मेरी मौजूदगी में चाइनीज लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शन, पाकिस्तान सिर्फ वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां पे हम इस चीज की परवाह नहीं करते। मतलब उसका ये था, किसी ने भी उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये एक लाइन, एक जुमला जो है एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जो पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी एम्बेरसिंग हो सकती है। स्पीच खत्म होगी उनकी, मैंने भी अपना रिकॉर्डर बंद किया, हम उठने लगे तो एकदम हमने देखा कि चाइनीज एम्बेसडर जो है वो रोस्टर पे पहुंच जाते हैं। उनको किसी ने इन्वाइट नहीं किया, मुशाहिद हसन सईद साहब ने नहीं कहा आप जाएं या बात करें, कोई सवाल नहीं हुआ। तो उन्होंने आगाज यहां से किया कि मुझे कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी है, देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, जो सब कुछ छप चुका है उसको नरेट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली पहला तो वहां पे ब्रीच ये हुआ ना कि उन्होंने एक प्रोटोकॉल को ब्रीच करते हुए वो वहां पे गए, उन्होंने बात की और फिर उन्होंने राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज किया जो चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक के दरमियान जिस तरह का पब्लिकली एक दूसरे को डिमोलिश करने वाली बात नहीं की जाती।